पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही अनमोल है। अगर आज हम पानी की बर्बादी को नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गर्मी के मौसम में यूं तो पानी का स्तर जमीन से काफी नीचे चला जाता है और पानी की समस्या बराबर बनी रहती है। जिला अस्पताल में इसकी समस्या आम बात है। जब भी गर्मी पड़ती है तो पानी की किल्लत होती है और मरीज और तीमारदारों के लिए समस्या बढ़ जाती है। लेकिन जिला अस्पताल के इमरजेंसी परिसर में मरीजों और परिजनों के लिए लगे पानी के प्लांट से शनिवार को टंकी भर जाने के कारण घंटों पानी ओवरफ्लो होकर नाली में गिरकर बर्बाद होता रहा, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मरीज और परिजनों ने कहा, कमलेश जी कहाँ पर आए हैं आप? मैं आया है सदर में। क्या हुआ आपको? ओ जल गया हूँ, क्या हुआ? आधा घंटा दो डेढ़ घंटा सो गया फिर से। अच्छा, क्या करेंगे? वो ठंडा पानी भी नहीं आ रहा है नल से, पीने वाला कोई भी नहीं है, पानी बर्बादी हो रही है, ठंडा पानी भी नहीं आ रहा है। विंध्याचल जी कहाँ पे हैं इस समय? मैं जिला अस्पताल में। क्या है यहाँ पे दोस्तों? पानी ठंडा नहीं आ रहा, पानी ओवरफ्लो करके गिर रहा है। कितनी देर से गिर रहा है पानी? कम दो घंटा हो गया। पानी को बचाव करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? कहेंगे क्या, पानी उसको कम कर्मचारी को नियुक्त करके उसको देखभाल करना चाहिए। खड़ा है? हाँ खड़ा है। तो क्या हुआ है? पानी गिर रहा है, वो नुकसान हो रहा है यहाँ पर। बहुत पब्लिक है यहाँ पर, आ रहा है यहाँ पर, सब देखते हैं पानी नुकसान होता है यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कितने देर से गिर रहा पानी? अरे मैं बहुत सुबह आया हूँ यहाँ पर, सब सब सबसे यहाँ पर पानी गिरता दिखता हूँ यहाँ पर।